रामनरेश रावत, बीजेपी विधायक, बचरावा रायबरेली। सत्येंद्र प्रताप सिंह, ब्लॉक प्रमुख, महाराजगंज रायबरेली की ओर से आपको रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रायबरेली के बचरावा में आश्रम पद्धति से चलने वाले आवासीय बालिका इंटर कॉलेज में मंगलवार की सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब स्कूल में पढ़ने वाली दर्जनों छात्राओं की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। सभी छात्राओं के अचानक पेट और सर में दर्द होने लगा, जिसके बाद उन्हें आनन फानन बचरावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहाँ सभी छात्राओं का इलाज चल रहा है। कुछ छात्राओं को जिला अस्पताल भी भेजा गया है, जहाँ इलाज चल रहा है। फिलहाल जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने खाद्यान्न और पानी की जांच के लिए आदेश दे दिए। आपको बता दें कि बचरावा थाना क्षेत्र के रैंग गांव में बने आश्रम पद्धति के तहत चलने वाले इस आवासीय स्कूल को देखिए। सरकार भले ही यहां पर पढ़ने वाली गरीब घरों की छात्राओं को शिक्षित करने के लिए रहने खाने और पढ़ने की व्यवस्था कर रही हो, लेकिन विद्यालय के जिम्मेदार लोगों की लापरवाही के चलते दूषित भोजन करने से स्कूल में पढ़ रही दर्जनों छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई और देखते ही देखते अधिकांश छात्राओं के पेट व सर तथा सीने में दर्द शुरू हो गया। छात्राओं की माने तो सुबह खाना खाने के बाद से अचानक पेट में दर्द शुरू हो गया था। वहीं स्कूल में मौजूद जिम्मेदार प्रधानाध्यापिका किस तरह से छात्राओं की बिगड़ी हालत को लेकर गैर जिम्मेदाराना बयान देती नजर आ रही हैं। आश्रम पद्धति से चलने वाले आवासीय बालिका विद्यालय में पढ़ने वाली दर्जनों छात्राओं की तबीयत बिगड़ने की सूचना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। घटना की खबर पाकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बचरावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां छात्राओं का हालचाल जाने, तो वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी की माने तो करीब एक दर्जन छात्राओं को जिला अस्पताल रेफर किया गया है, बाकी सभी छात्राओं का इलाज बचरावा में चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि दूषित पानी पीने की वजह से छात्राओं की तबीयत बिगड़ी है। जिला अधिकारी नेहा शर्मा भी बचरावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची और छात्राओं का हाल जाना। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कहा है कि करीब 55 छात्राओं की तबीयत बिगड़ी थी, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया है, जहां सबका इलाज चल रहा है। फिलहाल अभी स्थिति ठीक है। स्कूल में मौजूद खाद्यान्न सामग्री के साथ साथ पानी और आज बच्चों ने जो खाना खाया है उसकी जाँच कराई जा रही है। आइए देखते हैं रायबरेली से हमारे संवाददाता रजनीकांत अवस्थी की यह रिपोर्ट। राजा राकेश प्रताप सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, पूर्व डायरेक्टर जिला सहकारी बैंक, पूर्व MLC, शिवगढ़ रियासत रायबरेली की ओर से आपको रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। घटना क्या हुई है आप लोगों के साथ? कुछ नहीं, हम लोग सुबह खाने का, उसके बाद हम लोगों के पेट में दर्द। लगभग कितने लोगों को ये दिक्कत हुई है? लगभग 10-12 लोग आज हुई है, और कुछ लड़कियां रात में भी गई थी। किस विद्यालय से हैं? क्या खाया आप लोगों ने? कैसे तबीयत खराब हुई आपकी? कितने लोग, कितने बच्चे बीमार हैं? सुधा अवस्थी, जिला मंत्री, बीजेपी महिला मोर्चा, महाराजगंज जनपद रायबरेली की ओर से आपको रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी अपना
मैम नाम और परिचय बता दीजिए। मैम बच्चे क्या खाए हुए थे और इतने कितने बच्चे बीमार? देखिए बच्चे हमारे, कुछ बच्चे हमारे पहले से बीमार चल रहे थे, तो इन्फेक्शन की वजह से भी मुझे लग रहा कि कुछ ऐसा होता है। और जो खाना हमारे विद्यालय में और बच्चे रह रहे हैं, जो खाना उन्होंने खाना वही खाना इन्होंने भी खाया था, लेकिन इनको जो है इन्फेक्शन हो गया। अभी कैसे कितने बच्चे लगभग बीमार हो गए और कहाँ इनका इलाज कराया गया? कल रात को 4 बच्चे हमारे बीमार हुए, तो 4 बच्चों को एम्बुलेंस के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटना लाए, उनका ट्रीटमेंट हुआ और ट्रीटमेंट के द्वारा फिर उनको रात में ही 1 बजे हम रैन लेकर के फिर वापस चले गए। और उसी लड़के को फिर सवेरे प्रॉब्लम हुई, तो फिर हमने गाड़ी बुलाई और गाड़ी बुला करके यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटना वाले। कितने बच्चे हैं टोटल? ये जो बीमार थे, जो बीमार थे हमारे बच्चे, जो बीमार हुए 20 बच्चे बीमार। यहाँ का मामला किस विद्यालय का क्या है? बछरावा के पास कोई आश्रम पद्धति का विद्यालय चलता है, वहाँ से कुछ बच्चे अभी लाए गए हैं। करीब 16 बच्चे हमारे पास सीएससी बछरावा से रेफर हुए, जिनको पेट में दर्द और सिर में दर्द था। 16 बच्चे 12 से 18 साल की उम्र के बीच के थे और सभी ठीक है, कंट्रोल में है, केवल हल्का फुल्का पेट दर्द बचा हुआ है। 2 बच्चे किसी प्राइमरी स्कूल के भी हैं वहीं के, वो और परेशानियों से पीड़ित थे। 1 बच्चे को सीजर आ रहा था 5 साल की। सर क्या बता रहे, क्या खाए थे, क्या कुछ? अभी जो मैंने हिस्ट्री ली बच्चों से, तो उन्होंने बताया कि कल रात से ही इनको सर में दर्द, पेट में दर्द वगैरह हो रहा था। सुबह इन लोगों ने 7 बजे दलिया खाया था, उसके बाद हल्का सा दर्द पड़ा, लेकिन अब सभी कंट्रोल में। लेकिन सीएससी में कितने बच्चे भर्ती हैं? मेरे पास 16 आए हैं जिनकी मैं जानकारी दे सकता हूँ। आज क्या मामला था? देखिए ये आश्रम पद्धति विद्यालय है, बछरावा क्षेत्र में रैन में बना हुआ आश्रम पद्धति विद्यालय। इस विद्यालय से कुछ बच्चे जो अध्ययनरत हैं वहाँ पर, उन्होंने शिकायत की अपने वार्डन जो भी हैं उनको कि उनके पेट में और थोड़ा सा सिर में दर्द की शिकायत उन लोगों ने की। उसके क्रम में इन बच्चों को पहले तो सीएचसी बछरावा लाया गया, वहाँ पर कुल 43 बच्चे इस तरीके के शिकायत के आए हैं, और उनमें से कुछ बच्चों को ज़िला अस्पताल में भी उपचार के लिए भेजा गया है। तो अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे 16 बच्चे ज़िला अस्पताल में हैं और बाकी बचे हुए जो हैं वो बछरावा सीएचसी में उनका उपचार चल रहा है। जो प्रथम दृष्टया अभी डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि हो सकता है संभवतः यह फूड पॉइजनिंग या वाटर कंटामिनेशन का कोई कारण इसमें बता रहे हैं। सभी बच्चे सब स्टेबल हैं, सबको ड्रिप चल रही हैं और जो पेट का दर्द है अब थोड़ा आराम भी बता रहे हैं, कुछ लोगों से इंट्रैक्शन हुआ तो आराम भी बता रहे हैं। इसमें जो उल्लेखनीय कारण निकल के आ रहे हैं, तो हम लोगों ने फूड सैम्पलिंग जो है वो टीम भेजकर फूड को सैम्पल एकत्रित कराया है, पानी की भी सैम्पलिंग करा रहे हैं, और इसमें देखकर जो भी लोग इसमें जिम्मेदार हैं, अगर पानी की प्रॉब्लम निकल के आती है, कंटामिनेशन निकल के आता है, तो आरओ खराब पाया गया था। हम लोग अभी हॉस्पिटल के साथ हॉस्टल भी देख के आए हैं, तो वहाँ पर अगर आरओ की खराबी बहुत दिनों से थी ये उल्लेखनीय निकल के आता है, तो उसमें हम लोग दोषी जो हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई। न्यू चंदन बुक डिपो, बछिंद्रावा रोड, न्यू बाला होटल के सामने, महाराजगंज, रायबरेली। प्रोप्राइटर चंदन मौर्य की ओर से आपको रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।